गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वी विल लर्न टुडे सम स्पेसिफिक स्ट्रक्चर रिलेटेड विथ सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, पिछले लेक्चर में हमने सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में देखा, डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे होता है ना। तो इसी से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के बारे में आज हम स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट है बार्क, छाल। आप लोगों ने सुना होगा है ना, जो ट्रीज़ होते हैं उनके जो आउटर मोस्ट स्टेम के आउटर मोस्ट लेयर में पपड़ी जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है, और इसके अंदर का जो कार्क वाला भाग होता है इसको बहुत सारे कामों में इसको यूज़ किया जाता है, विच इज़ कॉल्ड छाल आर बार्क। इन कॉमन लैंग्वेज द इकोनॉमिक बॉटनी ऑल द डेड सेल लाइंग आउटसाइड फेलोजन आर कलेक्टिवली कॉल्ड बार्क। है ना, बॉटनी के लैंग्वेज में जो सबसे बाहर का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है जो डेड हो जाता है इसे ही बार्क या छाल कहा जाता है। एंड द आउटर लेयर ऑफ द बार्क आर बींग कंस्टेंटली पील्ड ऑफ एन अकाउंट ऑफ फ्री फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेकेंडरी वास्कुलर टिश्यू इन द इंटीरियर। ओके, एंड द पिलिंग ऑफ बार्क में ऑकर इन सीट्स ऑफ रिंग बार्क आर इन इरेगुलर स्ट्रिप्स स्केली बार्क। द स्केली बार्क इज फॉर्म्ड वेन द फेलोजन एराइसेज इन स्ट्रिप्स इंस्टीड ऑफ रिंग्स। एग्जाम्पल इसका है एकेसिया, वैन, कीकर एक्सेट्रा। ओके, तो इसका फंक्शन क्या है, बार्क का किस काम में इसका मतलब ये ट्रीज़ के लिए क्या फंक्शन करता है। द मेजर फंक्शन ऑफ बार्क इज टू गिव प्रोटेक्शन टू द इनर सेल्स, अंदर के जितने भी सेल्स होते हैं उसका प्रोटेक्शन करता है। इट आल्सो चेक्स इवोपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट एज द सेल वॉल्स आर इम्प्रेसिव ऑफ टू वाटर। ओके, एंड इट आल्सो प्रोवाइड्स रेजिन, गम, टेनिन, वेरियस टाइप्स ऑफ एसेंशियल ऑयल्स एंड मेडिसिन एक्सेट्रा। तो ये हमारे लिए भी यूज़फुल हो गया। एंड इट चेक्स द इन्वेशन ऑफ लिविंग टिश्यूज बाई फंगी एंड बैक्टीरिया, जो इसके अंदर के कार्क के अंदर के सेल होते हैं उनको फंगी बैक्टीरिया एक्सेट्रा से प्रोटेक्ट करके रखता है। एंड कमर्शली इट इज़ एम्प्लॉयड इन टेनिंग ड्रग्स एंड स्पाइसेस के रूप में। आपने सिनामन का नाम सुना होगा, घर में जो हम मसाले के रूप में इसको यूज़ करते हैं स्पाइस के रूप में, उस ये छाल या बार्क ही है ना। एंड द कॉर्क ऑफ क्यूरियस वर इज एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बॉटल स्टॉपर। अभी तो बॉटल में ढक्कन नहीं लगता है, बट पहले जो बोतलें होती थी उनके मुंह पर एक लकड़ी का जो ढक्कन जैसा बनाया जाता था। आज भी जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं उसकी शीशियों में और होम्योपैथिक दवाइयों की शीशियों के ढक्कन इस टाइप का यूज़ किया जाते हैं, विच इज़ मेड बाई बार्क आर छाल। ओके, एंड सेकंड स्ट्रक्चर इज लेंटिकल्स। ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द स्टेम सम स्क्वायर ऑफ स्मॉल प्रोट्रूडियस आर फाउंड। ईच स्क्वायर करिस्पॉन्ड टू अ स्मॉल एयरटिंग पोर नोन एज लेंटिकल्स। जो पहले जब स्टेम ग्रीन कलर का था, यंग था और ग्रीन था, तो उसमें रेस्पिरेशन के लिए या फोटोसिंथेसिस के लिए जो स्टोमेटा पाए जाते थे वो बाद में लेंटिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे ट्री जो है वो इसका एज बढ़ते जाता है तो ईयर बाय ईयर बाहर का जो कवरिंग होता है यानी कॉर्टेक्स वाला जो रीजन होता है वो हार्ड होते जाता है, डेड होता जाता है। देन स्टोमेटा इज कन्वर्टेड इनटू लेंटिकल्स। दिस एयरेटिंग पोर्स आर फॉर्म्ड इन कार्क थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। तो चूंकि स्टोमेटा से भी गैसियस एक्सचेंज होता था, यहाँ पर लेंटिकल्स जो है वो स्टेम के कार्क में गैसियस एक्सचेंज का वर्क प्ले करता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ पोर ड्यू टू ब्रेक इन एपिडर्मल लेयर एंड
बिलो द पोर इज फाउंड अ लूज मास ऑफ थिन वॉल्ड कार्ड नोन एज कम्प्लीमेंट्रीसेस। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये जो एपिडर्मल सेल है वो ब्रेक डाउन हो गया है, यहाँ पर पोर बन गया है, है ना। और इसके जो नीचे जो सेल्स होते हैं ये कम्प्लीमेंट्री सेल्स कहलाते हैं, एंड दिस सेल्स आर कट अप ऑफ बाई द कॉर्क कैम्बियम एंड दे इंक्रीजिंग इन मास। और नीचे फिर जो है कॉर्क कैम्बियम बना है, इसका सेकेंडरी ग्रोथ इसमें हुआ है। ओके, तो ये कॉर्क कैम्बियम है एंड दे आर कम्प्लीमेंट्री सेल्स एंड इट इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सो अल्टीमेटली द कॉर्क एंड द एपिडर्मिस ब्रेक फॉर्मिंग अ पोर नोन एज लेंटिकल्स। द लेंटिकल्स कैन बी डिफाइंड एज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द पेरीडर्म वेयर द एक्टिविटी ऑफ द फेलोजेन इज मोर देन एल्सवेयर एंड द कॉर्क सेल्स प्रोड्यूस्ड बाई इट आर लूजली अरेंज्ड एज पॉसेस न्यूमरस इंटरसेलर स्पेसेस। लेंटिकल्स आल्सो अकर ऑन द रूट्स, रूट्स में भी लेंटिकल्स होते हैं। एंड अनदर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इज टाइलोसिस, इट मे ओडिट्री जाइलम एलिमेंट्स। ये जो आप देख पा रहे हैं ये जाइलम एलिमेंट्स हैं ना, जाइलम का ये वेसल्स हैं। ओके, वेसल्स में क्या होता है, वेसल्स आर ब्लॉक्ड बाई ब्लैडर लाइक इनग्रोथ्स ऑफ नेबरिंग पेरेन्काइमेटस सेल्स, दस ब्लॉकिंग द कंटिन्यूटी ऑफ दिस कंडक्टिंग एलिमेंट्स। सच ब्लैडर लाइक आउट इनर सॉरी इनग्रोथ्स आर कॉल्ड टाइलोसिस। ओके, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये जो है वो वेसल्स फॉर्मेशन ऑफ टाइलोसिस इन हार्टवुड, एल एस ऑफ वेसल शोइंग टाइलोसिस एंड टी एस वेसल शोइंग टाइलोसिस। यहाँ पर ये जाइलम के वेसल्स है और इसके जो सेल्स होते हैं उसमें कभी कभी क्या होता है कि ये जो अंदर का जो इनर वॉल होता है इसमें आउटग्रोथ निकल आता है, और वेसल्स के जो ब्लैंक स्पेस है इसमें ये जो है वो गुब्बारे के लाइक बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना के फूल जाता है, देन इसका सेल का न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म जो है इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ पर छोटे बड़े अलग अलग टाइप के टाइलोसिस हम देख पा रहे हैं, एंड सम टाइलोसिस आर इंक्रीजिंग टू होल इसमें पूरे जगह में ये जो है ग्रोथ करके पूरे जगह में आ गया है, है ना, कुछ छोटे कुछ बड़े हैं। इस प्रकार क्या करते हैं कि ये पूरे जो वेसल्स होते हैं उसको कवर कर लेते हैं लाइक दिस, सम टाइलोसिस आर स्मॉल एंड सम टाइलोसिस आर बिग एंड दे कवर होल द वेसल्स। ओके, समटाइम्स दिस टाइलोसिस गेट टू इनलार्ज एज दे कम्प्लीटली क्लोज द ल्यूमेन ऑफ जाइलम एलिमेंट्स ट्रैकेट्स। ट्रैकेट्स का जो ल्यूमेन होता है उसको पूरी तरह कवर कर लेता है ये, है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लॉकिंग द कंडक्टिंग एलिमेंट्स बिकम नॉन फंक्शनल। अ वेल डेवलप्ड टाइलोसिस इज फिल्ड विथ स्टार्च रेजिन एंड गम लाइक सब्सटेंट। दिस सब्सटेंट इंक्रीजेज द हार्डनेस ऑफ हीट वुड। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर रेजिन वेजिन जो है वो स्टोर होने के कारण जो हार्डवुड होता है वो काफ़ी हार्डनेस उसमें आ जाता है। समटाइम द रेजिन ग्लैंड्स ऑफ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट आर आल्सो इंक्रीज्ड इन साइज एंड ब्लॉकिंग देयर कैविटी एंड फॉर्मिंग टाइलोसिस लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज टाइलोसॉइड। इट डिफर फ्रॉम टाइलोसिस इन द सेंस दैट टाइलोसिस आर ऑलवेज फॉर्म्ड फ्रॉम द पैसेज ऑफ पिट्स प्रेजेंट इन ट्रैकेट्स। ओके, एंड अनदर फंक्शन इज हार्टवुड एंड सैपवुड। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो कई वर्ष पुराने जो लकड़ी होते हैं उनको अगर हम काटें तो इस टाइप का यहाँ पे स्ट्रक्चर छल्ले नुमा स्ट्रक्चर रिंग जैसे दिखता है जिसको हम एनुअल रिंग कहते हैं। और मैंने पहले भी बताया था कि एनुअल रिंग में टू टाइप्स, वन ईयर में टू टाइप्स ऑफ रिंग बनते हैं, एक ऑटम सीजन में एक स्प्रिंग सीजन में। ऑटम सीजन में जो सेल्स होते हैं वो बिग साइड के एंड लाइट कलर के होते हैं, और जो
सॉरी स्प्रिंग सीजन में एंड ऑटम सीजन में जो सेल्स होते हैं वो स्मॉल साइज के एंड डार्क कलर के होते हैं, तो टू टाइप के पट्टी बनते हैं और दोनों को मिलाकर हम एनुअल रिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये एनुअल रिंग्स बन जाता है। अब यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम कंटिन्यू डिवाइड होने के कारण अंदर की ओर प्राइमरी जाइलम होता है और बाहर की ओर सेकेंडरी जाइलम कैम्बियम के, और कैम्बियम के बाहर जो है वो सेकेंडरी सॉरी प्राइमरी फ्लोएम एंड देन सॉरी सेकेंडरी फ्लोएम एंड बाहर की ओर जो है वो प्राइमरी फ्लोएम होता है। ये हम सब पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसी को ही इसमें जो टू दो कलर के मल्टी कलर के रिंग्स शो हो रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड हार्टवुड एंड सैपवुड। द वुड ऑफ ओल्डर स्टेम गेट्स डिफ्रेंशिएटेड इंटू टू जोन, द आउटर लाइट कलर्ड एंड फंक्शनल सैपवुड आर एल्बुमिरम एंड द इनर डार्कर एंड नॉन फंक्शनल हार्टवुड आर ड्यूरामिन। ओके, जो बाहर का लाइट कलर का दिख रहा है वो फंक्शनल होता है बिकॉज ऑफ देयर सेल्स आर लिविंग एंड देयर फंक्शंस आर लाइव, सो दे आर लाइट इन कलर। बट इन इनर साइड इट इज डार्कर इन कलर एंड दे आर डेड सेल एंड देयर फंक्शन आर डेड। द ट्रैकेट्स एंड वेसल्स ऑफ द हार्टवुड गेट प्लग्ड बाई द इन ग्रोथ ऑफ द एडजेसेंट पैरेन्काइमेटस सेल्स इन टू देयर कैविटीज थ्रू द पिट। देयर इन आउटग्रोथ आर कॉल्ड टाइलोसिस। अंदर का जो होता है जो डार्क कलर दिख रहा है, हमें हम टाइलोसिस का स्ट्रक्चर पढ़ा। टाइलोसिस के कारण क्या होता है, ये डेड हो जाता है, इसका ये फंक्शन नहीं कर पाते, तो यहाँ पर हार्डनेस आ जाता है। हार्डनेस आने के कारण इसका कलर डार्क और काफ़ी ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाने के कारण ये ट्रीज को सपोर्ट करने का काम करते हैं अब इधर। ओके, एंड दीज इंक्रीजेज आर कॉल्ड टाइलोसिस एंड अल्टीमेटली द पैरेन्काइमेटस सेल बिकम लिग्निफाइड एंड डेड। टाइलोसिस के बनने के कारण यहाँ पर लिग्निन का जमा हो जाता है और ये डेड हो जाते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स लाइक ऑयल रेजिन गम्स एंड टेनिन आर डिपॉजिटेड इन द सेल्स ऑफ हार्टवुड। यहाँ पे हमने टेनिन में पढ़ा था कि टेनिन में जो इसके मटेरियल हैं वो क्या स्टोर हो जाते हैं, तो यहाँ भी यही होता है। ओके, ऑयल वगैरह जो निकलता है ना वो यहीं से हमको मिलता है। एंड दिस सब्सटेंस आर कलेक्टिवली कॉल्ड एक्स्ट्रा एक्टिव एंड दे प्रोवाइड कलर टू द हार्टवुड। ये हार्टवुड को कलर प्रोवाइड करते हैं एंड दे आर आल्सो एंटीसेप्टिक एंड द हार्टवुड इज देयरफॉर स्ट्रॉन्गर एंड मोर ड्यूरेबल देन द सैपवुड। जो फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं या मजबूती प्रदान करने के लिए जो भी उपयोग जो वुड का किया जाता है वो इसी भाग ट्री के इसी भाग का से किया जाता है। एंड इट इज़ हाउएवर लिएबल टू बी अट्रैक्टेड बाई वुड रूटिंग फंजाई एंड हॉलो ट्री ट्रंक्स आर ड्यू टू देयर एक्टिविटी। ओके,